2:15 के कार्यक्रम आते हैं इन्हें आप लिखते हैं इस समय विविध भारती पर कुछ कार्यक्रम आता है जो कुछ समय के लिए कट जाता है और जिसके लाखों श्रोता हैं जो फेसबुक से जुड़ते हैं। आशा है आप इस पर विचार करेंगे। हम आपके बहुत पुराने श्रोता हैं, सीधे संपर्क में ना रहने से, खत और किताब ना करने से जान पहचान थोड़ी कम है, मगर हम 50 साल से ऊपर के रेडियो श्रोता हैं। रघुनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी अयोध्या में आपको और आपके जितने सुधी और पुरानी श्रोता को पाकर के जो है वाकई आकाशवाणी अयोध्या धन्य हुई। हम सबसे पहली गुजारिश तो यही करेंगे कि आप जो है सदैव आकाशवाणी से जुड़े रहें, अपना श्रेय वर्षण जो है वो करते रहें और जो बात आपने लिखी है उसको हम लोग गौर से देखेंगे और ये सोचेंगे कि इसका निदान हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप पहली बार जुड़े हैं यहाँ से और लगातार आपके संदेश जो है आते रहेंगे। क्यों उम्मीद तो हम यही करते हैं कि अब ये जो इनके मैसेज का सिलसिला है ये लगातार बना रहेगा आकाशवाणी अयोध्या से। ये तो उम्मीद है, टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये 85 वर्ष के जुड़े हुए श्रोता है हमारे। अगला संदेश जो है वो हमारे पास आया है रूपेश कुमार मिश्रा जी का, टिकरी नवाबगंज गोंडा से। देखिए रूपेश जी जो है नेहा बराबर अपना संदेश आकाशवाणी अयोध्या को भेजते रहते हैं जी। इस बार इन्होंने लिखा है आकाशवाणी को की पूरी जो टीम है उसको हमारा नमस्कार। नमस्कार आकाशवाणी अयोध्या की तरफ से भी। बहुत छोटी से मैसेज में इन्होंने अपनी बात लिखी है कि निवेदन है कि युवा संवाद में दिशा पांडे जी की ड्यूटी लगाई जाए। एक बात कहना चाहेंगे रूपेश जी, एक किसी व्यक्ति को पर्टिकुलर किसी कार्यक्रम के लिए नियत नहीं किया जा सकता। जैसे आपके घर में तमाम मेंबर हैं और कहा जाए कि एक ही व्यक्ति से अमुक काम कराया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं कराया जाएगा, तो बाकी लोग तो उसको सीख नहीं पाएंगे जी। तो ये आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन इससे औरों के लिए अवसर बाधित होते हैं, इस पर जरूर ध्यान रखेंगे आप जी। हमारा जो अगला संदेश है वो है अवनीश यादव जी का, पाराकैल अयोध्या से लिख रहे हैं। लिखते हैं नमस्ते सर, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो हम अवनीश जी को अपने इस कार्यक्रम में पहली बार संदेश देने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं कि सर हेलो, अयोध्या का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और आपके सारे कार्यक्रम जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं हमें। और आप सब कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं अवनीश जी, और आपसे एक बात करनी है कि अगर आपके पास एक झोला है और झोला भरा हुआ है और उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि इसमें कुछ सामान और रख दीजिए, तो उसका उपाय क्या है? कुछ निकाल के ही कुछ रखा जा सकता है, इसलिए हम एक सीमित समय में अभी बंधे हुए हैं। आप हमारे आकाशवाणी केंद्र से जो कि आपका है उससे जुड़े रहिए और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि अगर हमको अतिरिक्त समय मिलता है तो हम तुरंत आपके लिए समय आवंटित करेंगे जी। इस कार्यक्रम के लिए तो अक्सर ही हमारे पास संदेश आते रहते हैं इस कार्यक्रम की टाइमिंग बढ़ाने के लिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इसका टाइम बढ़ना चाहिए? लगता है, बिल्कुल हमको भी लगता है, लेकिन अभी है नहीं हमारे पास समय है। जिस दिन हमको ये अवसर मिलेगा आपको तुरंत उपलब्ध होगा जी। हमारा जो अगला संदेश है वो है, इसे ये नहीं कहेंगे कि इसके साथ ही आप अपनी खतों किताबत बंद नहीं करेंगे, हमारे कार्यक्रमों को सुनेंगे, गुनेंगे और अगला संदेश नेहा जरूर भेजेंगे। हाँ, अब अगला संदेश किसका है? जो हमारा अगला संदेश है वो है नंद सागर तिवारी जी, रौनक तिवारी, मौसम तिवारी और अंशिका का। हाँ, ये तिवारी बंधु लोग क्या संदेश इन्होंने भेजा है, इन सभी कहाँ से भेजा है? ये शिवगढ़ गोसाईगंज अयोध्या से हमारे पास संदेश भेज रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, क्या लिखते आप? सभी लिखते हैं सप्रेम नमस्कार, आपने दोपहर में कार्यक्रम के प्रसारण की शुरुआत करके हम श्रोताओं का दिल बाग बाग कर दिया। क्या बात है। हम तो कहते हैं कि विविध भारती का प्रसारण यहाँ से बंद कराकर स्थानीय प्रसारण ही किया जाए। विविध भारती का प्रसारण तो कुछ पड़ोसी केंद्र करा ही रहे हैं, कृपया नाटकों के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। एक बात कहेंगे नंद सागर तिवारी जी, जो पड़ोसी केंद्र करा रहे हैं उन पड़ोसी केंद्रों पर भी हमारे श्रोता लिखते होंगे आप बंद कर दीजिए, आपके पड़ोसी केंद्र करा रहे हैं। हाँ, ये तो बात है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। हर पड़ोसी केंद्र इसी से चलता रहता है। और आगे लिखते हैं, श्रोताओं से अपील है कि अपने घर के सामने पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें। आप सभी का हृदय तल से धन्यवाद। नेहा जी, जो तिवारी जी ने कहा है
जी क्या आप भी वही कहती हैं? जी बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि ये जो बेजुबान जानवर हैं ये अपने मुंह से अपनी बात कह नहीं सकते, और जिस हिसाब से बाहर का मौसम है इस हिसाब से हमें इन बेजुबानों के लिए कुछ ना कुछ मानवता के नाते जरूर करना चाहिए। तो आपके घर में जो भी बचा हुआ भोजन है, आपके घर से जो भी सब्जी के छिलके वगैरह निकलते हैं, जो भी बचा हुआ भोजन है, वो आप बाहर इन बेजुबानों के लिए जरूर रखें, और साथ में पानी की व्यवस्था जरूर करके रखें। घर के बाहर पेड़ पौधा हो, कोई भी एक छाया वाला स्थान हो, तो वहाँ आप ऐसी व्यवस्था जरूर करवाएं। तो हम अपने जो श्रोता हैं, रेगुलर श्रोता हैं हमारे नंद सागर तिवारी और उनके पूरे परिवार की तरफ से अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं से ये अपील करते हैं कि अभी आपने बताया कि बहुत तेज धूप है, तो इस बहुत तेज धूप में वो जो अपने लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके लिए अपने दरवाजे पे एक मिट्टी के पात्र में कहीं किनारे कहीं छाए में जरूर इसकी व्यवस्था करें, ताकि वो जीव जो बोल नहीं सकते, मांग नहीं सकते, उनके लिए आप एक साधन बनके उनको जल और अन्न दोनों उपलब्ध कराएं। और जानती हैं, गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म भी यही है। इसीलिए गृहस्थ को सभी श्रेणियों में सबसे ऊपर, सन्यास श्रेणी से भी ऊपर माना गया है। हाँ। आप देखते होंगे जैसे हमारे घर में जब रोटियां बनती हैं तो भी निर्धारित है कि पहली रोटी हम गाय को देंगे और आखिरी रोटी जो हमारी है, दो जीवों के लिए निर्देश है कि परिवार में ये उपलब्ध होना ही चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद नंद सागर जी, आपको सचेत करने के लिए और आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक बात पहुंचाने के लिए। अगला संदेश जो है वो है जूही द्विवेदी, इनकी चाची है रिंकी द्विवेदी और किरण द्विवेदी, और पापा हैं अरुण कुमार दुबे, माने ढेर सारे द्विवेदी एवं समस्त द्विवेदी जो परिवार है मिलकर ये संदेश लिख रहा है। कहां से संदेश भेजा इन्होंने? इन्होंने अपना पता नहीं लिखा है। अच्छा, अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो पता अगली बार जरूर लिखेंगे। हाँ, क्या आपने संदेश में क्या कहा इन्होंने? इन्होंने लिखा है, आकाशवाणी अयोध्या के सबसे बड़े सर से हमारा अनुरोध है कि हेलो अयोध्या प्रोग्राम से अमरजीत सर को क्यों आपने मना कर दिया है? अमरजीत सर, देश दीपक सर, संजय सक्सेना सर, सदक हुसैन सर, बहुत सारे अनाउंसर्स के इन्होंने नाम लिखे हैं, और साथ में लिखे हैं कि इन सबके द्वारा जो हेलो अयोध्या कार्यक्रम किया जाता है बहुत अच्छा लगता है, और फिर आपने अमरजीत सर को ही क्यों इस कार्यक्रम से हटा दिया है? ये कैसे इनको पता चला कि इनको किसी को हटा दिया गया, किसी को लिख लिया गया है? मैंने अभी आपसे एक बात बताई थी ना कि जब तक अन्यों को अवसर नहीं दिया जाएगा, वो सभी अमरजीत, संजय सक्सेना, सदक तभी बनेंगे जब उनको भी अवसर दिया जाएगा। और आकाशवाणी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबको बुलाता रहता है, ना किसी को मना किया गया है, ना किसी को विशेष ऑफर किया जाता है, जो जिसकी योग्यता रखता है अवसर आने पर उसको जरूर लगाया जाता है। तो और मैं समझता हूँ कि इन्होंने, इनके मन में ये विचार आया कैसे कि किसी को रोक दिया गया है। हाँ, आगे भी इन्होंने लिखा है कि संजय सक्सेना सर की तरह एक दिन अमरजीत सर भी आकाशवाणी अयोध्या से चले जाएंगे। अच्छा, तो एक चीज बात है कि ये जूही द्विवेदी और इनके परिवारगण, इसके पहले तो कोई खत इन लोगों का नहीं आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबके साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दिन सभी चले जाएंगे। हाँ, जो भी काम करने के लिए आते हैं सर्विस में, जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं उसी दिन रिटायरमेंट की तिथि निर्धारित हो जाती है। तो हम सभी को आते रहना है, जाते रहना है, इसलिए सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही इन्होंने लिखा है कि किसी दिन शेर और गीत प्रोग्राम में अतहर सर की भी ड्यूटी लगाइए, जिस दिन आपकी बात कार्यक्रम नहीं आता है उस दिन बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए ये कार्यक्रम नियमित करिए। भाई हाँ, ये बात सही कहा आपने जो ही, और आपके परिवार के सभी सदस्य, हमारी कुछ मजबूरियां रहती है जिनके कारण कार्यक्रम कभी कभी कट जाते हैं। कुछ कार्यक्रमों का निर्देश हमारे महानिदेशालय से आता है और उस समय उसके द्वारा ले लिया जाता है, तो उस समय में निर्धारित सभी कार्यक्रम हट जाते हैं। अच्छा। इन्होंने जो अवसर देने की बात कही है तो समय मिलते ही जरूर अवसर दिया जाएगा। साथ ही लिख रही है कि कोई अगर गलती हो गई हो लिखने में तो हमको आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। हम तो बस बिल्कुल स्वागत करते हैं आपके इस संदेश का, और ये उम्मीद रखेंगे कि आगे भी आने वाले दिनों में आपके संदेश हमको मिलते रहेंगे। हमारा जो अगला संदेश है वो है बबनियावा ड्योढ़ी से सुरेश कुमार वर्मा जी का। क्या लिखते हैं सुरेश जी? सुरेश जी लिखते हैं, आदरणीय प्रसारक महोदय को मेरा नमस्कार। हाँ। महोदय, मुझे आकाशवाणी से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। खास तौर पर हेलो अयोध्या, आपकी बात, किसानवाड़ी ग्राम जगत, गूंजे स्वर गांव के, और आपके संदेश, आपके गीत, सभी अनाउंसर अपना कार्यक्रम बहुत अच्छे से पेश करते हैं। क्या बात, और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कार्यक्रमों का समय और बढ़ाने की कोशिश करें, खास तौर पर हेलो अयोध्या जैसे कार्यक्रम का, क्योंकि आधे घंटे में सिर्फ 3 या 4 कॉल ही अटेंड हो पाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सुरेश जी, कि आप और अभी इसके पहले भी एक श्रोता ने यह अनुरोध किया था, और आप सबका अनुरोध बहुत दिनों से आ रहा है जी, लेकिन अभी भी मैं वहीं खड़ा हूँ,
कि जो ही मुझे अवसर मिलेगा मैं इस कार्यक्रम का समय जरूर बढ़ाने का प्रयास करूंगा। साथ ही आप लिखते हैं कि बहुत से लोग कॉल लगाते रह जाते हैं मगर लगती नहीं है, मैं हर बार कोशिश करता हूं मगर हर बार मेरी कॉल हेलो अयोध्या में नहीं लगती है। सुरेश जी, एक समय में सैकड़ों लोग कॉल करते रहते हैं एक टेलीफोन नंबर पर, उसमें किसी एक की लग पाती है। इसमें केंद्र का कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी की कॉल रोक सके, जिसकी कॉल पहले निकल आई वो उससे संवाद हो जाता है। आप इतना ही कह सकता हूं कि आप लगातार करते रहिए जी, इसलिए अगर कार्यक्रम का समय थोड़ा बढ़ जाएगा, ये यही सोच के कह रहे हैं कि अगर कार्यक्रम का समय बढ़ जाएगा बहुत सारे लोग शामिल हो पाएंगे, इनकी कॉल हो सकता है लग जाए और बाकी श्रोताओं को भी अवसर मिल जाए। सुरेश जी, आपका दर्द मेरा दर्द है, मैं इसको समझता हूँ, जो ही अवसर आएंगे हम जरूर इस कार्यक्रम को आप तक थोड़ा बढ़ा के लेके आएंगे। अगला जो संदेश है हमारे पास वो है दीपेंद्र चौरसिया, अभय चौरसिया, शीतल और जय शंकर चौरसिया जी का। ये सभी हररैया जिला बस्ती पूर्वांचल से लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं दीपेंद्र? लिख रहे हैं कार्यक्रम संबंधित हमारे विचार। आकाशवाणी अयोध्या से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम बहुत ही उम्दा और आकर्षित होते हैं। प्रणाम अयोध्या, युवाणी, विविध भारती, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के साथ साथ एनसीईआरटी के तत्वावधान में प्रायोजित कार्यक्रम उमंग और खेती किसानी पर आधारित कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपके प्रसारण को सुनना और खेती किसानी से जुड़ना हमारा हमेशा से पसंदीदा काम रहा है। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, गुनते हैं और आपने अपना संदेश भेजा। आगे आपसे यही निवेदन रहेगा कि जिन भी कार्यक्रमों को आप सुनते हैं उनकी गुणवत्ता पर जरूर प्रकाश डालिए, क्या आपको अच्छा लगा और आप आगे उसमें कैसा चाहते हैं, ये सारी बातें भी लिख सकते हैं जी। हमारा जो अगला संदेश है वो है वजीरगंज गोंडा से, अलका शुक्ला, प्रीति शुक्ला, साधना शुक्ला, निम्मी शुक्ला, आराध्या, आयुष, अक्षत एवं समस्त शुक्ला फैमिली जो एक साथ लिख रही है ये संदेश। आपने लिखा है कि संजय जी, अमरजीत सर, आप दोनों को हमारा नमस्कार। नमस्कार जी, अलका जी। आगे लिखते हैं, आकाशवाणी अयोध्या के सभी प्रोग्राम सुनते हैं और अच्छा भी लगता है। प्रणाम अयोध्या, बातें आसपास की, गीत गुंजन, कुछ तुमने कहा, आपके संदेश, आपके गीत, हेलो डॉक्टर, इन सबसे जो जानकारियां मिलती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। प्रणाम अयोध्या में जो वार्ता सुनाई जाती है उससे बहुत ढेर सारी जानकारी हम लोगों को मिलती है। हेलो अयोध्या प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, हेलो सहेली भी मुझे बहुत पसंद है, सभी प्रोग्राम अच्छे हैं। संजय जी, भक्ति संगीत का प्रोग्राम नहीं होता है, फिर से इसको शुरू करें। बिल्कुल सही बात। हेलो अयोध्या का समय ज्यादा कर दीजिए, फिर से वही बात, और कम से कम 45 मिनट का हफ्ते में एक दिन तो कर ही दीजिए, पहला मैसेज है मेरा। बिल्कुल, ये आपका हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अलका जी और आपके सभी सहयोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो आपने लिखा है कि हम समय को बढ़ाएं तो कोशिश करेंगे कि समय हमारा बढ़े, ये मैंने सारे श्रोताओं से कहा, आपसे भी कह रहा हूँ, आप हमारे सारे कार्यक्रमों को सुनते हैं गुनते हैं। आगे ये उम्मीद है कि आगे ये नहीं कहना पड़े कि हम पहली बार सम्मिलित हुए हैं, आप बार बार सम्मिलित हुई, आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। चलते चलते हम चाहेंगे कि आप इसका पता जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को। आपको अगर हमारे कार्यक्रमों से संबंधित कोई भी सुझाव देना है, कोई भी प्रतिक्रिया देनी है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 830-32-19-911 पर कैपिटल लेटर में AKB लिखकर आप अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हमें भेज सकते हैं, और जरूर भेजिए क्योंकि हमें बहुत ही बेसब्री से आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सुझावों का इंतजार रहता है। आपकी शिकायतें भी हमें बहुत ही मीठी लगती हैं, तो शिकायतें करते रहिए, सुझाव देते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। तो देखिए नेहा, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है जी। तो हम लोग लेते हैं अगले कार्यक्रम तक के लिए विदा और कहते हैं नमस्कार।